सो यो व्हाट्सअप गाइस, आज से गाइस हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बेन 10 के बारे में। भाई उसके जितने भी एलियन है उन सब की भाई पावर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में भाई हम कंपेयर करेंगे भाई सारे एलियन के बारे में, नहीं सारे एलियन तो नहीं, टॉप 6 पावरफुल एलियन ऑफ बेन 10। और भाई सच बताओ ना, ये लिस्ट भाई बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट लिस्ट है भाई, छांट छांट के एलियन लेकर आया हूँ। तो भाई बिल्कुल, तो भाई अब आप सोच होंगे कि हमने इस एलियन को भाई किस बेसिक पे मतलब ऐसी पोजिशन दी है, तो भाई इनकी एबिलिटी और इनकी पावर। तो भाई नंबर 6 पे जो आता है भाई वो है गोस्ट फ्रीक। मतलब गोस्ट फ्रीक तो भाई देखने में इतना ज्यादा डरावना है भाई, अपनी मुंडी भी घुमा देता है और भाई उड़ भी सकता है ये, और भाई गायब भी हो सकता है, और भाई सबसे अच्छी बात है किसी की बॉडी भी भाई आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और भाई दूसरी सबसे जो अच्छी बात लगती है अगर ये किसी के अंदर घुस जाए ना भाई, उसे गंदा करके घूस बम दे सकता है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक एलियन है भाई। मतलब आप खुद सोचो भाई, ये एलियन उड़ भी सकता है भाई, किसी के अंदर भी जा सकता है, किसी को कंट्रोल भी कर सकता है भाई, सच में गायब भी हो सकता है यार। तो गाइस इससे खतरनाक एलियन और कौन होगा? तो भाई गाइस देखो नंबर 6 पे भाई इसका आना पक्का बनता है भाई। नंबर 6 भाई आपको लगता है कोई और है, लेकिन गाइस मेरे हिसाब से भाई नंबर 6 भाई इसके लिए काफी ज्यादा अच्छी प्लेस है। नंबर 5, तो नंबर 5 पे गाइस जो मेरे दिमाग में एलियन आता है वो है भाई क्रोमास्टोन। हाँ भाई हमारा ये वाला भाई सबसे अच्छा एलियन है भाई। मतलब भाई आपको वाला एपिसोड तो याद होगा भाई, जिसमें बेन 10 ने भाई पूरे एपिसोड में भाई बस क्रोमास्टोन भाई बस क्रोमा ही स्टोन को ही भाई मतलब अपना प्यारा सा एलियन भाई मतलब फेवरेट एलियन ही बना दिया था यार। मतलब भाई क्रोमास्टोन क्या नहीं कर सकता भाई, कुछ भी अब्जोर्व कर सकता है और भाई आपको शूट बैक कर सकता है। मतलब मानो किसी बंदे ने अगर उस पर अटैक किया है तो भाई वो उसको ही अब्जोर्व कर लेगा और भाई बाकू भाई उस पर अटैक कर देगा भाई। इससे अच्छा एलियन कौन है भाई? मतलब और भाई अपने क्रिस्टल जैसे डायमंड हेड की तरह भाई कुछ तो फेंकता है, मतलब भाई ये उससे भी मार सकता है। और भाई ये मतलब भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब किसी भी चीज को भाई अब्सॉर्ब करके भाई उसकी एनर्जी ले सकता है अपने अंदर और बाकू भाई उसी एनर्जी को ये फेंक सकता है। मतलब यार गाइस क्या ही बताऊं भाई, मतलब कुछ भी यार, एलियन सच में भाई नंबर 5 पोजीशन पर जरूर डिजर्व करता है यार। नंबर फोर पे जो भाई मेरे दिमाग में एलियन आता है वो है भाई डायमंड हैंड। मतलब हाँ भाई डायमंड हैंड के पास भाई एक स्केटबोर्ड जैसी कोई चीज है जो भाई उड़ सकती है भाई। मतलब खुद सोच लो भाई, ये बंदा उड़ भी सकता है और भाई ये अपने क्रिस्टल भी फेंकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं यार। मतलब भाई एक क्रिस्टल जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है भाई, कुछ भी मतलब फाड़ सकता है भाई उसका एक क्रिस्टल ही। और भाई वो कहीं से भी अपने क्रिस्टल निकाल सकता है भाई, कितना ही तकड़ा मतलब हाथ भी निकाल सकता है भाई कहीं से भी क्रिस्टल से बना हुआ। और भाई सच बताओ ना, वो क्रिस्टल भाई डायमंड से कम नहीं होते भाई, इतने ज्यादा पावरफुल है भाई, क्या ही बोलूं तुमको यार। उन्हें बेच दोगे तो भाई माला माल हो जाओगे तुम एक बार को। और भाई सबसे अच्छी बात जो मुझे क्रिस्टल डायमंड हेड की लगती है वो है भाई, इसे तुम कहीं से भी भाई डेडपूल की तरह कहीं से भी फाड़ दो भाई, ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा। मतलब भाई तुम इसे मार नहीं सकते, एक तरफ से तुम भाई इसे इनक्रेडिबल कह सकते हो भाई, कितना ज्यादा मतलब इनविंसिबल कह सकते हो भाई, कितना ज्यादा मतलब पावरफुल एलियन है। मतलब भाई तुम बीच में से उखाड़ दोगे वापस से भाई वहीं से रिजेनरेट हो जाएगा। नंबर 3, बेबिग। भाई बेबिग ना भाई सच में जब मैंने से एलियन को पहली बार देखा था ना भाई, मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकली, ओ माई गॉड। मतलब भाई कितना ज्यादा बड़ा एलियन है भाई, एंटमैन को टक्कर दे रखी है भाई। भाई ह्यूमंगस और अल्टीमेट ह्यूमंगस और भाई इसके सामने इतना बड़ा है जितना बड़ा कि एंटमैन के सामने हल्क। भाई तुम खुद सोच लो कितना ज्यादा बड़ा है बेबिग। वो सबसे खतरनाक जो इसका अटैक है गाइस, तुम्हें लगता होगा इसके पास कोई ज्यादा इतनी एबिलिटी है नहीं, बड़ा है बस किसी को उठाकर फेंक देगा। नहीं 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 गाइस, ये आपकी सबसे बेकार सोच है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेबिग भाई अपनी कॉस्मिक रेस की वजह से भाई, कॉस्मिक रेस जो फेंकता है भाई उसकी वजह से भाई ये पूरा प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये चीज गाइस आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बेबिग कितना ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी बात भाई, इसको छोटे मोटे एलियंस और भाई विलन्स तो अटैक भी नहीं सकते भाई, कितना ज्यादा बड़ा है ये। हाँ एक इसकी बस थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है गाइस, अगर ये गिर जाता है तो थोड़ा सा उठने में टाइम लगता है, लेकिन गाइस छोटा मोटा एलियन भाई इसको तो मार ही नहीं सकता। मतलब खुद ही सोचो यार कितना ज्यादा ही बड़ा है यार, मतलब भाई सच में बहुत ज्यादा बड़ा एलियन है यार ये। भाई 2, क्लॉकवर्क। भाई क्लॉकवर्क तो सबको याद होगा भाई, मतलब भाई ये बंदा छोटा मोटा सा भाई घड़ी जैसा बंदा है, लेकिन है बहुत काम की चीज भाई ये बंदा ना। मतलब क्या कुछ नहीं कर सकता भाई, आपको वाला एपिसोड तो याद होगा जब बेन 10 के काफी सारे एलियन भाई एक विलन को रोकते हैं और भाई लिटरली क्लॉकवर्क भाई सारा काम अच्छा कर देता है। मतलब सब मरने वाले होते हैं लेकिन क्लॉकवर्क भाई, देखो इसके पास एबिलिटी कौन कौन सी है भाई मेरे साथ गिनो। पहली एबिलिटी तो ये है भाई, ये टाइम को स्टॉप कर सकता है। दूसरी एबिलिटी है भाई, ये टाइम को पीछे कर सकता है यानी रिवर्स कर सकता है।
तीसरी एबिलिटी है भाई आगे भी कर सकता है, चौथी एबिलिटी भाई ये पूरी धरती को मतलब ऐसा रोक सकता है भाई, कुछ भी करके भाई किसी को मार सकता है, जैसे फ्लैश नहीं करता भाई 1 मिनट के लिए टाइम रोक देता है भाई किसी को भी, मतलब कुत्तों की तरह मारता है भाई वैसे बिल्कुल रोक भर के। बस इसकी थोड़ी सी एक खास बात है जो कि मुझे खास नहीं लगी कि भाई ये बहुत ज्यादा स्लो है। नंबर वन पे जो एलियन आता है भाई, गाइस देखो मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, नंबर वन पे जो है वो है अपना प्यारा सा एलियन एक्स एक्स एक्स, मेरा मतलब एलियन एक्स भाई, नाम जितना ज्यादा इसका सेक्सी है भाई एलियन इतना ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब तुम खुद सोचो भाई ये बंदा बिल्कुल किलो बर्स से थोड़ा सा ज्यादा ओवर पावर है, मतलब भाई ये टाइम को रोक सकता है और टाइम को आगे कर सकता है पीछे कर सकता है भाई, बिल्कुल किलो बर्स वाला सिस्टम है। और हाँ भाई इसके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी भी है, जैसे भाई ये उड़ भी सकता है, मतलब भाई इतना ज्यादा ऊपर उड़ सकता है कि भाई ये यूनिवर्स में चला जाएगा, मतलब पृथ्वी से बाहर भाई, मतलब क्लोक वर्क भी नहीं कर सकता भाई ये, तो खुद ही सोच लो यार ये, मतलब टाइम के पीछे भी जा सकता है, टाइम में पास्ट में भाई अपना पोर्टल बना के। और भाई ये सबसे खतरनाक बात ये गाइस, ये किसी भी मरे इंसान को जिंदा कर सकता है, और उससे ज्यादा खतरनाक बात ये भाई ये कोई भी यूनिवर्स को वापस से क्रिएट कर सकता है। मतलब गाइस आपको वाला एपिसोड याद होगा जब एलियन एक्स ने भाई पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था, मतलब भाई ओवर पावर्ड भाई। अगर नंबर वन से भी ऊपर कोई रैंक होती है ना भाई, इसको जरूर ऊपर रखते भाई। अगर यूट्यूब पर कोई आप वीडियो देख रहे हो ना भाई एलियन एक्स नंबर 2 नंबर 3 भाई, इसकी सच में उसे कमेंट में जाकर लिखना मैं गांडो चलाठी यहाँ से भाई, सच में एलियन एक्स आप तुम खुद सोचो भाई ये बंदा जब यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है तो भाई इसको कौन ही हरा सकता है यार, मतलब भाई टाइम रोक सकता है यार, सब मैंने बता दिया भाई, सबसे पावरफुल एलियन है ये, ओवर पावर्ड। तो बस यार गाइस देखो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर अगर तुम्हें लगता है कि गाइस मेरी बात बिल्कुल सही है तो मुझे कमेंट में बताओ, अगली बार को हम बेन 10 अल्टीमेट एलियन की लिस्ट आएंगे। ओके बाय बाय।